Hello everyone. This video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best. Please enjoy the video. Good evening, Darpan. Okay, kal ki class jo aapne attend nahi ki thi. Okay, anyone else? What about Anupma and Pooja? I think there's only one or two students who are live now. Ab tak koi bhi baaki jo students hai ab tak aaye nahi hai online. देखो जय, अभी जो है मैं सबसे पहले सब्जेक्ट ख़त्म करूंगा इस समय पर, दैट इज़ योर एल्गोरिथम्स एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो ये जो सब्जेक्ट्स अभी बचे हैं, दीज आर वेरी बिग पोर्शंस. तो कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह और ये दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो सबसे पहले तो मैं इन सब्जेक्ट को स्टार्ट अभी कवर करूंगा. और मीन वाइल जो है, जो दूसरे जो नवीन सर है, नवीन सर विल स्टार्ट सम ऑफ द नेट यूजीसी नेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. ओके, एंड सेकेंडली जो यूजीसी नेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसकी मैंने ऑलरेडी जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी मैंने गूगल ड्राइव पर डाल दिए हैं. और अगर कुछ एक दो सब्जेक्ट के नहीं है तो वो भी मैं गूगल ड्राइव पर डाल देता हूँ, ताकि इवन इफ आप चाहो तो हमारी क्लास होने से पहले भी आप उन लेक्चर्स को कवर कर सकते हो. सो एनी ऑफ द स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि इसके अलावा भी यू वॉन्ट टू कवर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स पैरेलली, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट है, यूनिक्स एक सब्जेक्ट है, सो यू वॉन्ट टू कवर दीज सब्जेक्ट्स पैरेलली, तो उसके लिए आई कैन अपलोड दोज लेक्चर्स इन द गूगल ड्राइव. ओके, यस, रिविजन्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स. तो अभी हमारे पास नेक्स्ट 20 डेज के अंदर आई हैव टू फिनिश लाइक 4 सब्जेक्ट्स. तो अगले 20 दिनों में मैं 4 सब्जेक्ट फिनिश करने की पूरी कोशिश रहेगी. ओके, विदिन दिस मंथ, जय गुप्ता, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी इसी मंथ में मैं कवर करूंगा. आई विल बी कवरिंग योर डिजिटल कम्युनिकेशन कम्प्लीटली विद इन दिस मंथ. उसके अलावा मैं आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसी मंथ में कवर करूंगा. डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम भी कम्प्लीटली इसी मंथ में कवर होगा. और मोस्ट प्रोबेबली आपका कंपाइलर डिजाइन भी मैं इस मंथ में कवर करूंगा. लेकिन जो दूसरी फैकल्टी है वो भी मेरे साथ लगी रहेगी पैरेलली. तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपके यूजीसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स एक सब्जेक्ट है तो वो भी, और सॉरी योर कंप्यूटर ग्राफिक्स, सो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो नवीन सर उसको पैरेलली स्टार्ट करेंगे. और अगर लीनियर प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट्स हैं दे विल ऑल्सो बी स्टार्टेड. ठीक है, तो एनीवेज इन एनी हाउ जो जुलाई मंथ, सॉरी जून जो आपका मंथ है, अभी मई चल रहा है, तो जो जून जो आपका मंथ है उसमें मैं रिविजन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा. तो एवरी डे आई विल रिवाइज वन सिंगल सब्जेक्ट. ओके, आई थिंक आज आई डोंट नो व्हाई बट स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द क्लास. अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आज क्लास के लिए अवेलेबल है ही नहीं. नोबडी सेड हाय अपार्ट ऑफ 2-3 पीपल. और आपने भी प्रीवियस क्लास अब तक रिवाइज नहीं की है. गुड इवनिंग गरिमा. अभी भी आई थिंक देयर आर ओनली 2 पीपल हु आर वॉचिंग. I don't know, it is showing on my end that only 2 people are watching the live class right now. Baaki students is samay par online nahi hain. I'm not sure why. Chalo, anyways, to hame to start karna hi hai. Jo topic hai hamara Turing machine. So we have to start the topic anyhow. Okay? सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ट्यूरिंग मशीन. तो सबसे पहले मैं आपको एक जो ट्यूरिंग मशीन की वर्किंग है उसका डायग्राम है, पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज ट्यूरिंग मशीन और व्हाट आर द थिंग्स हियर, तो कि उससे आपको समझ में आ पाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज मशीन्स. तो आई डोंट नो, इट इज शोइंग ओनली 2 पीपल नाउ. मेरी चैट में से 2 ही लोगों को दिखा रहा है. इफ यू आर ऑनलाइन लिसनिंग टू मी, आप सभी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अगेन दोबारा से जय गरिमा अनुपमा, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज से हाई अगेन द चैट विंडो, ताकि मैं मुझे पता चले दैट यू आर प्रेजेंट योर लाइफ. इट इज शोइंग ओनली 2 पीपल ऑन माय एंड. जय,
ओके आई गॉट टू गरिमा एंड जय. व्हाट अबाउट अदर्स? बट आई एम गेटिंग ओनली टू पीपल एट अ टाइम, जय एंड गरिमा, नो वन एल्स. चलो लेट अस स्टार्ट, नो प्रॉब्लम्स. अगर कोई आएगा तो दे कैन स्टडी, अदरवाइज दे कैन स्किप. ओके सो व्हेन वी स्टडीड द फाइनाइट ऑटोमेटा, सो इन द डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ टेप हियर. दिस इज द टेप. वी हैव अ फाइनाइट कंट्रोल एंड हियर वी हैव अ फाइनाइट मेमोरी. So this memory cannot store infinite amount of information, it can only store finite amount of information. And we have a read-write head, or ye jo read-write head hai, it can read the string from the tape. So this is your read-write head, aur yahan par jo hai, it is only going to read, it is not going to write anything onto the tape. So it is just going to perform the read operation from the tape, it is not writing anything. And this read-write head can only move in one direction, ye sirf ek hi direction mein read kar sakta hai. And on the tape, we can also have an epsilon symbol. Jaise ki we can have a string AAA and we can also have epsilon symbol. Aur jo bhi aapki intermediate state hogi, all these intermediate states are generally stored in your finite control. So this is in case of finite automata. Then we covered the push down automata. Now there is a difference in push down automata and a finite automata, that in case of push down automata, in memory we have a stack. तो मेमोरी में आपके पास एक स्टैक होता है. सो दिस इज अगेन योर टेप, दिस इज योर फाइनाइट कंट्रोल एंड वी कैन रीड समथिंग फ्रॉम द टेप एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर स्टैक, स्टैक मेमोरी. नाउ इन दिस केस दिस मेमोरी इज बेसिकली इनफाइनाइट, दैट मीन्स यू कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द स्टैक. आप यहां पर कितनी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं एंड दिस रीडर हेड इज ओनली गोइंग टू रीड समथिंग फ्रॉम द टेप. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ स्ट्रिंग AAA, सो इट इज गोइंग टू रीड दिस स्ट्रिंग फ्रॉम द टेप. और यहां पर अगेन इन द टेप वी कैन हैव एप्सिलॉन सिंबल. देन द नेक्स्ट हियर जो कि आज हमारा टॉपिक है, दैट इज योर ट्यूरिंग मशीन. नाउ ट्यूरिंग मशीन इज लिटिल बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम. इन दोनों के केस में, फाइनाइट ऑटोमेटा और पुशन ऑटोमेटा में, the only difference was about the stack as the memory. मतलब यहाँ पर push down automata में we can have infinite amount of memory which where we can store information in the form of a stack. But in a Turing machine, we can have, you can see, this is your tape and this is your finite control. And the difference is that this finite control can move in both the directions. ये जो फाइनाइट कंट्रोल है, आई मीन जो रीड राइट हेड है, दिस रीड राइट हेड कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन, नॉट जस्ट इन वन डायरेक्शन. यहां पर क्या था, इन केस ऑफ पुशन ऑटोमेटा ऑल्सो इट विल मूव ओनली वन इन वन डायरेक्शन, इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा ऑल्सो इट विल मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. लेकिन इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन दिस रीड राइट हेड कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन. ओके जस्ट वन सेकेंड. So in Turing machine, this can move in both the direction, and again this will be a read-write head, read and write head. Dhyan do, in case of finite automata, it was just a read head. That means it is only going to read the information from the stack. In push-down automata, it is only just a read head. It is only going to read the information from the stack. But in case of Turing machine, it is a read-write head. That means it can store on the tape. I mean, whatever the symbol is present in the tape. This finite control can change that symbol also. Symbol को ये change भी कर सकता है.
फॉर एग्जाम्पल हियर एज्यूमिंग द इन्फॉर्मेशन इज ए ए बी, सो इट कैन चेंज दिस ए टू बी, तो किसी सिंबल को चेंज कर सकता है. एंड सेकेंडली इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन टेप के अंदर वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एप्सिलॉन, इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन वी कैन हैव अ ब्लैंक सिंबल और यू कैन से सम काइंड ऑफ स्पेशल सिंबल जो कि हम इस टेप के अंदर स्टोर कर सकते हैं. इन सम बुक्स दे यूज अ ब्लैंक सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, इन सब बुक्स दे कैन यूज दिस काइंड ऑफ सिंबल विच इज अ रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट द ब्लैंक सिंबल. तो यहां पर आपके पास टेप के अंदर वी कैन ऑल्सो हैव अ यू नो ब्लैंक सिंबल, यहां पर आपके पास एप्सिलॉन सिंबल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. एंड सेकेंडली यहां पर अगेन वी हैव अ फाइनाइट मेमोरी, जस्ट लाइक अ फाइनाइट ऑटोमेटा हियर वी हैव अ फाइनाइट मेमोरी, करेक्ट. सो यू कैन क्लियरली सी वट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम. इन द फर्स्ट केस द मेमोरी वॉज फाइनाइट एज वेल एज द रीडर हेड कैन ओनली मूव इन वन डायरेक्शन एंड इट वॉज ओनली रीड हेड. इन द सेकेंड केस ये अगेन रीड हेड ही है, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फाइनाइट मेमोरी नाउ वी आर हैविंग अ स्टैक विच इज अ इनफाइनाइट मेमोरी. बट इन ट्यूरिंग मशीन अगेन वी आर यूजिंग फाइनाइट मेमोरी, बट इन दिस रीड हेड इट कैन ऑल्सो राइट, तो जो रीड हेड है वो राइट भी कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो मूव इन बोथ द डायरेक्शन, तो मूवमेंट जो है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर यहां पर हो सकती है. नाउ अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ लीनियर बाउंड ऑटोमेटा LBA. तो जो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन इन अ ट्यूरिंग मशीन. सो ट्यूरिंग मशीन में क्या है कि जहां तक आपकी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग इज प्रेजेंट टिल हियर एंड हियर, सो इन ट्यूरिंग मशीन वी कैन ऑल्सो गो टू दिस डायरेक्शन एज वेल एज वी कैन ऑल्सो गो टू दिस डायरेक्शन, यानी कि यू कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ इन्फिनाइट मूव्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन एज वेल एज यू कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ मूव्स इन द राइट डायरेक्शन, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. बट इन केस ऑफ लीनियर बाउंड ऑटोमेटा वी आर गोइंग टू पुट अ बाउंड. बाउंड किस तरीके से, जैसे कि एज्यूमिंग दिस इज अ स्ट्रिंग डबल ए एंड डबल बी. नाउ वी कैन से हियर जो भी आपका रीड राइट हेड है इट कैन मूव बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि जहां तक आपकी स्ट्रिंग है जो आपका रीड राइट हेड है इट कैन मूव बिटवीन दीज टू बाउंडेशन. आपने दोनों तरफ के अंदर बाउंड लगा दिया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए लीनियर बाउंड ऑटोमेटा. एंड अगेन दिस रीड राइट हेड कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन एज वेल एज दिस कैन ऑल्सो रीड एज वेल एज दिस कैन ऑल्सो राइट एंड द मेमोरी इज ऑल्सो फाइनाइट. तो अगर देखा जाए तो ट्यूरिंग मशीन और लीनियर बाउंड ऑटोमेटा में देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज अबाउट द बाउंड ऑन द टेप, यानी कि आप टेप के अंदर यू कैन ऑल्सो नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, यू कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, आप लेफ्ट और राइट इन्फिनिट मूव नहीं ले सकते, यू कैन ओनली मूव टिल द टाइम जहां तक आपकी स्ट्रिंग प्रेजेंट है. सो दिस काइंड ऑफ बाउंडेशन वी कैन पुट राइट. नाउ द लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटास आर कॉल्ड एज रेगुलर लैंग्वेज. Languages accepted by push and automatas are called as context-free language. Languages accepted by Turing machine are called as recursively enumerable language. And languages accepted by linear bound automatas are called as context-sensitive language. But again, linear bound automata ko hum bahut zyada study nahi karte hain because it is of no use to us. It is just like, I'll show you why we don't study linear bound automata again in later details. जो आपके पास हमने अब तक पूरे सब्जेक्ट में पढ़ा है, जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा और पुशडाउन ऑटोमेटा, दीज वर जस्ट क्रिएटिंग अ बेसिक्स फॉर ट्यूरिंग मशीन, बिकॉज जो हमारा मेन टॉपिक है इन दिस एंटायर सब्जेक्ट फॉर फ्यूचर पर्पसेस, दैट मेन टॉपिक इज ओनली ट्यूरिंग मशीन. तो ट्यूरिंग मशीन ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वही टॉपिक इस पूरे सब्जेक्ट का जो क्रक्स है कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे थे और वट आर द थिंग्स दिस फिजिकल मशीन्स कैन डू, what are the limitations in terms of calculations, in terms of solving problems, वो सभी चीजें हमारे ट्यूरिंग मशीन में आ जाएगी. Once you complete your ट्यूरिंग machine, तो आपके पास सभी जो पूरे सब्जेक्ट जो क्रक्स है वो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सब चीजें जो हमने किया है हमने क्यों किया है. ओके, इसमें अगर किसी को डाउट है प्लीज टेल मी, अदरवाइज आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. दर्पण, गरिमा, पूजा, अनुपमा, ओके गुड.
Now let me show you an example. Just one more thing here. Here in case of finite automata, हम generally जो transitions है, in a transition हम लोग दो चीजों को represent करते थे. I mean basically in a transition हम लोग सिर्फ एक ही चीज को represent करते थे कि अगर आपके पास कोई सिंबल ए आएगा या फिर सिंबल बी आएगा आप किस स्टेट के पास जाएंगे. सो हियर इन वी आर ओनली हैविंग स्टेट्स. इन केस ऑफ पुश ऑन ऑटोमेटा हम लोग बेसिकली एक और चीज हमने किया कि अगर आपके पास कोई भी सिंबल आएगा और हम लोग चेक करेंगे व्हाट इज द सिंबल प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द स्टैक. टॉप ऑफ द स्टैक में क्या सिंबल प्रेजेंट है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेल यहां पर कि हम स्टैक के अंदर क्या इंसर्ट करेंगे, क्या इनपुट करेंगे. राइट. सो दिस इज something that we can represent here. कि again मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. इस केस में we can see what is the data present in top of stack, what is your next symbol and what will be the data that you are going to insert. So newly insert जो भी आप करेंगे या फिर कहो कि आप इसको push करेंगे, this is the information that you are going to push. But in case of Turing machine again हमारे पास we'll be having three different things. The first thing will say what is the symbol that you are checking. For example, the symbol can be A, right? जैसे कि यहां पर this is a symbol A. Now we can change the symbol from A to B. So I can write this is the symbol that I'm changing from A to B. And the third will be the move. कि आप इस symbol को change करने बाद your finite control is going to take a right move or it is going to take a left move. कि आपका जो finite जो reader head है it will go to the right direction or it will go to the left direction. तो हमारे पास यहां पर तीन चीजें आएंगी हर एक ट्रांजिशन में. ट्रांजिशन में क्या होगा, दिस फर्स्ट सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग द सिंबल ऑन द टेप जो सिंबल आपने रीड किया है. द सेकंड हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज द सिंबल दैट यू हैव रिटन और चेंजेस जो भी आपने चेंजेस किए हैं उस सिंबल के अंदर. एंड थर्ड वन हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द मूव्स कि आप लेफ्ट में जाएंगे उसको रीड करने के बाद या फिर राइट में जाएंगे. ओके okay? डोंट वरी गरिमा, ये सब चीजें जो लास्ट डायग्राम में लीनियर बाउंड ऑटोमेटा है उसको हम लोग और भी कभी काफी डिटेल में भी स्टडी करेंगे. सो डोंट हैव यू डोंट हैव टू वरी इवन इफ यू स्किप्ड इट नो प्रॉब्लम. मैं हर चीज दो बार रिपीट करता हूं कम से कम कि अगर क्लास में एक बार पढ़ाने में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको शायद दूसरी या तीसरी बार समझ में जरूर आ जाएगा. तो यू कैन सी इन माई क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग हर एक टॉपिक को मैंने दो या तीन बार रिपीट किया ही किया है तो ताकि अगर एक टॉपिक आपको समझ नहीं आया स्किप हो गया तब भी आप उसको दोबारा से समझ सकते हैं. Okay. Now let me show you with the help of examples about the diagrams and their limitations. Jaise ki if I say the language is a raised to power n such that n is greater than or equal to 1 over summation is equal to a comma b. Right. Now here you can see for this language you can create a finite automata. So finite automata kaise banayenge? It's very simple. This is your initial state assuming Q naught. Beginning में here they are only having A's. आपके पास number of A's should be 1. There should not be any B. तो यहां पर अगर आपके पास you are getting a single A, you'll go to the state Q1. उसके बाद this will be a final state. उसके बाद कितने भी A आ जाएंगे you'll always stay at the state Q1. लेकिन if you get a B, you'll go to the state Q2 which is a dead state. और यहां पर ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है. यू विल ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट Q2. सो दिस इज हाउ फॉर दिस गिवन लैंग्वेज यू कैन क्रिएट अ फाइनाइट ऑटोमेटा विच इज वेरी सिंपल. नाउ इफ आई टेक अ लैंग्वेज विच इज ए रेस्ट टू पावर एन बी रेस्ट पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. नाउ फॉर दिस लैंग्वेज यू कैनॉट क्रिएट अ फाइनाइट ऑटोमेटा बट यस यू कैन क्रिएट अ पुश डाउन ऑटोमेटा. इसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते बट इसके लिए आप पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं. और जो पहला केस था यहां पर आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते थे, इसके लिए आप पुश डाउन ऑटोमेटा भी बना सकते थे और इसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं. इन द सेम वे इसके लिए आप पुश डाउन ऑटोमेटा भी बना सकते हैं और इसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं. द डायग्राम विल बी वेरी वेरी सिंपल. सो डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस दैट यू हैव एन इनिशियल स्टेट विच इज क्यू नॉट. इन बिगिनिंग योर स्टैक विल बी एम्प्टी. इफ यू गेट अ सिंबल ए स्टैक इज हैविंग जेड नॉट. Insert the symbol A inside the stack. Go to the state Q1. Now in Q1, you can have any number of A's. Top of the stack will be containing A. Insert all these A's. As soon as there's a B,
स्टैक इज हैविंग ए, आप उस ए को निकाल देंगे. यू गो टू द स्टेट क्यू टू, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ बीज, स्टैक विल बी हैविंग ए, आप सभी को निकाल देंगे. नाउ एज सुन एज योर स्ट्रिंग इज फिनिश्ड, स्टैक इज हैविंग जेड नॉट, तो आप उसको जेड नॉट छोड़ेंगे एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट. सो दिस विल रिप्रेजेंट अ पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर दिस गिवन लैंग्वेज. इसके लिए दिस इज अ पुश डाउन ऑटोमेटा. नाउ द थर्ड केस इज योर ट्यूरिंग मशीन. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ द लैंग्वेज इज लाइक दिस, लैंग्वेज इज ए रेस्ट पावर एन, बी रेस्ट पावर एन, सी रेस्ट पावर एन, सच दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. ओके, लेट मी मेक माई वॉइस क्लियर. आई होप आई एम ऑडिबल नाउ. आप सभी को मेरी वॉइस अभी ज्यादा बेटर आ रही होगी. सो लेट अस टेक दिस थर्ड केस हियर. तो फॉर दिस लैंग्वेज यू कैन नॉट मेक अ फाइनाइट ऑटोमेटा. इस लैंग्वेज के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते. नाउ फॉर दिस लैंग्वेज यू कैन ऑल्सो नॉट मेक अ पुश डाउन ऑटोमेटा. यहां पर आप पुश डाउन ऑटोमेटा भी नहीं बना सकते. नाउ इज इट ऑडिबल नाउ? अब ठीक है वॉइस? आई होप अब क्लियर आ रही होगी मेरी वॉइस. गुड. सो फॉर दिस लैंग्वेज यू कैनॉट मेक अ फाइनाइट ऑटोमेटा एज वेल एज यू कैनॉट मेक अ पुश डाउन ऑटोमेटा. बट फॉर दिस लैंग्वेज यू कैन मेक अ ट्यूरिंग मशीन. तो यहां पर आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ट्यूरिंग मशीन? लेट अस टेक वन स्ट्रिंग फ्रॉम द लैंग्वेज. एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज ए ए ए, बी बी बी, सी सी सी. तो आपके पास ये स्ट्रिंग है ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड ट्रिपल सी. सो यू कैन डू इज यू कैन लोड दिस स्ट्रिंग इन द टेप. दिस इज योर टेप विच इज हैविंग ब्लैंक सिंबल. वी हैव ए ए ए, बी बी बी, सी 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 एंड अगेन हियर वी हैव ब्लैंक सिंबल. सो दिस इज योर टेप एंड हियर वी आर रीडिंग दिस विद द रीड राइट हेड ऑफ द फाइनाइट कंट्रोल. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन यूज सम सिंबल्स टू मार्क. किस तरीके से? इफ यू सी द फर्स्ट ए हियर, आप इस ए को एक्स में चेंज कर दीजिए. गो टू द राइट डायरेक्शन, फाइंड द फर्स्ट बी, इसको वाई में मार्क कर दीजिए. अगेन गो टू द राइट डायरेक्शन, फाइंड द फर्स्ट सी, इसको आप जेड मार्क कर दीजिए. अगेन जैसे इसको जेड मार्क किया, अगेन गो टू द लेफ्ट डायरेक्शन, दोबारा से आप लेफ्ट में जाएंगे. ओके, नाउ सेकेंड ए को अगेन एक्स मार्क कर दीजिए, सेकेंड बी को वाई मार्क कर दीजिए, थर्ड सी को जेड मार्क कर दीजिए. अगेन वापस जाओ, थर्ड ए को एक्स मार्क कर दीजिए, बी को वाई मार्क कर दीजिए और सी को जेड मार्क कर दीजिए. अगेन लेफ्ट में जाओ. अब चेक करो क्या कोई ए बचा है? नो, देयर इज नो ए. अगर कोई भी ए नहीं बचा देन चेक क्या कोई बी बचा है? नो, कोई भी बी नहीं बचा. इसका मतलब है नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी आर इक्वल. फिर चेक करो क्या कोई सी बचा है? नहीं, कोई भी सी नहीं बचा. दैट मीन्स नंबर ऑफ ए आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बी एज वेल एज नंबर ऑफ सी. तो अगर तीनों इक्वल थे तो तीनों जो है एक साथ मार्क यहां पर हो जाएंगे और तीनों फिनिश हो जाएंगे. दिस इज द ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म. तो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कोई भी सिंबल यहां पर है, आई एम गोइंग टू मार्क दैट सिंबल. उसके बाद आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट सिंबल, उसको फिर मार्क करेंगे. फिर अगला जो थर्ड सिंबल सी है उसको मार्क करेंगे. दोबारा से फिर ए के पास आएंगे, उसको मार्क करेंगे. फिर बी के पास जाएंगे, उसको मार्क करेंगे और फिर से सी के पास जाएंगे, उसको मार्क करेंगे एंड सो ऑन. राइट, सो इट इज वेरी वेरी इजी प्रोसीजर. ठीक है, इसको मैं एक आई कैन ट्राई एंड गिव यू एनालॉजी. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. डू यू नीड एनी काइंड ऑफ अदर रियल लाइफ एनालॉजी फ्रॉम माई साइड फॉर दिस? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसीजर? Is this clear with all of you? कि क्या प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं? ओके, इफ इट इज क्लियर देन लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे. ठीक है, लेट मी जस्ट रब इट ऑल दिस साइंस.
सो दिस इज योर गुड सो दिस इज योर स्ट्रिंग सो अगेन वी आर एट इनिशियल स्टेट क्यू नॉट आपने सबसे पहले फर्स्ट सिंबल ए को चेक किया योर रीडर हैड इनिशियली एट प्लेस्ड एट द स्ट्रिंग तो आपने सिंबल ए को चेक किया इसको एक्स मार्क किया और हमने राइट की तरफ मूव कर दिया यानी कि इस ए को हमने एक्स मार्क किया नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स राइट सो वी गो टू द स्टेट क्यू वन अब जब आप राइट में जाएंगे यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एज यहां पर कितने भी ए आ सकते हैं सो आई एम गोइंग टू चेक ऑल दीज ए सबको ए ही छोड़ो और राइट में चलते जाओ सबको हमने ए छोड़ा राइट में चले गए एज सुन एज यू सी द फर्स्ट बी जैसे ही आपको पहला बी मिलेगा यू आर गोइंग टू मार्क दिस बी एज वाई सो एज सुन एज यू आर गोइंग टू सी द फर्स्ट बी मार्क दिस बी एज वाई एंड गो टू राइट इसको वाई मार्क किया और हमने राइट की तरफ मूव किया वेन यू आर मूविंग राइट रास्ते में यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ बीज इन सभी बीज को लीव ऑल दीज बीज एज इट इज और राइट में मूव करते रहो एज सुन एज यू सी द फर्स्ट सी आप इस सी को जेड मार्क करेंगे एंड यू आर गोइंग टू मूव टू द लेफ्ट आप इस सी को जेड मार्क करेंगे और अब आप लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे सो दैट विल बी योर स्टेट क्यू थ्री जब लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट में जाते हुए यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ बीज रास्ते में आपके पास कितने भी बी आ सकते हैं यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ बीज सभी बी को बी रहने दो और लेफ्ट में चलते जाओ अगेन यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ वाईज सभी वाई को वाई रहने दो और लेफ्ट में चलते जाओ अगेन यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एज इन बिटवीन सभी ए को ए रहने दो और लेफ्ट में चलते जाओ एज सुन एज आपको एक एक्स एनकाउंटर होगा एज सुन एज यू विल एनकाउंटर वन एक्स इसको एक्स रहने दो और राइट की तरफ मूव करो तो हमने इसको एक्स रहने दिया एंड वी मूव टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन अब आप इसमें राइट डायरेक्शन की तरफ आप मूव करेंगे अगेन यू विल फाइंड वन मोर ए तो इस ए को हमने दोबारा से एक्स में मार्क कर दिया वी मार्क दिस ए एज एक्स एंड वाइल यू आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एज इन द मिडल आपके पास कितने भी ए आ सकते हैं एज वेल एज यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ वाई तो जितने भी वाई आएंगे लीव ऑल द वाई एज इट इज गो टू द राइट डायरेक्शन उन सभी वाई को एज इट इज छोड़ो और राइट डायरेक्शन में चलते जाओ देन एज सुन एज यू फाइंड फर्स्ट बी मार्क इट एज वाई इसको वाई मार्क करो अगेन राइट की तरफ चलते जाओ वेन अगेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स राइट तो आपके पास कितने भी बी के साथ साथ जेड भी आ सकते हैं सो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ जेड लीव ऑल द जेड एज इट इज राइट में चलते जाओ जैसे ही पहला सी आपके पास आएगा चेंज दिस सी टू जेड इसी को जेड में चेंज करो और लेफ्ट की तरफ जाओ चेंज दिस सी टू जेड एंड गो टूवर्ड्स लेफ्ट दोबारा से जब आप लेफ्ट में जाओगे यू कैन ऑल्सो हैव एनी नंबर ऑफ जेड उन सबको जेड रहने दो और लेफ्ट में चलते जाओ यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ बीज उन सबको बी रहने दो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ वाई सबको वाई रहने दो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ ए सबको ए रहने दो एंड अगेन एज सुन एज जैसे आपके पास एक एक्स आएगा राइट में जाओ और इसको दोबारा से मार्क कर दो तो दोबारा से हम इस ए को एक्स मार्क करेंगे राइट में जाएंगे आपके पास वाई आ जाएगा उसको वाई रहने दो बी को वाई मार्क करेंगे राइट में जाएंगे जैसे ही सी आएगा उसको जेड मार्क करो और लेफ्ट में जाओ अब जब लेफ्ट में जाएंगे तो हम दोबारा से एक एक्स को एनकाउंटर करेंगे और एक्स के एग्जैक्ट बाद आपको मिलेगा वाई यहां पर इस एक्स के बाद आपको ए नहीं मिलेगा सो दिस इज द केस अगर इस एक्स के एग्जैक्ट बाद आपको मिलता है वाई उसको वाई रहने दो और राइट में जाओ चेक करो कि क्या कोई बी बचा है या नहीं बचा सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू द स्टेट क्यू फोर तो क्यू फोर में जाने के बाद आपके पास यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ वाईज लीव ऑल द वाई एज इट इज गो टू द राइट और जैसे ही वाई फिनिश हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा जेड सो जैसे ही यू कैन हैव अ जेड लीव ऑल द जेड एज इट इज आप राइट में जाओ गो टू द स्टेट क्यू फाइव जब चेक करो कोई भी सी बचा है या नहीं बचा फॉर दैट लीव ऑल द जेड एज इट इज गो टू द राइट अगर कोई भी सी नहीं बचा तो जेड के बाद डायरेक्टली बाद आपको मिलेगा बी सो एज सुन एज एक बी एनकाउंटर होगा लीव द बी एज इट इज गो टू लेफ्ट एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट दिस इज योर ट्यूरिंग मशीन सो ट्यूरिंग मशीन में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग लेफ्ट एंड राइट मूव अगर कहीं पर भी इन दिस ट्रांजिशन अगर कहीं पर भी हमारे पास कोई डेड स्टेट एनकाउंटर होगी यानी कैसा कोई ट्रांजिशन मतलब ऐसा कोई सिंबल जो कि जिसके हमने ट्रांजिशन नहीं दिया दैट मीन्स इट विल बी डेड स्टेट एंड दैट लैंग्वेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड अदरवाइज इफ द लैंग्वेज इज करेक्ट सो वील ऑलवेज रीच टू द फाइनल स्टेट आई मीन इफ द स्ट्रिंग इज करेक्ट जिस स्ट्रिंग के लिए हमने इस ट्यूरिंग मशीन को बनाया है इफ द स्ट्रिंग इज करेक्ट देन वी विल ऑलवेज रीच टू द फाइनल स्टेट आई होप इट इज क्लियर
गुड, इफ इट इज क्लियर तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन. तो आई होप इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री काइंड्स ऑफ मशीन्स. लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, तो उससे आपको आई थिंक फिर से समझ में आ जाएगा. सो द एग्जाम्पल इज लाइक दिस. इफ द लैंग्वेज इज a raised to power n, b raised to power m, c raised to power n, d raised to power m, such that n, m is greater than or equal to 1. Now you can clearly see for this language the pushdown automata is not possible. इस language के लिए आप pushdown automata नहीं बना सकते, but yes, for this language a Turing machine is possible. So what will be the case? Let me explain you the working and then we will see how we can create a PDF for this. So we can have a string which is 3 A's, we have 2 B's, let me rub it and make it clear, I should make a clear diagram. We have 3 A's, we have 2 B's, we can have 3 C's, then we can have 2 D's. So basically your number of A's should be equal to the number of C's and the number of B's should be equal to the number of D's. This is what we can do here. So let me explain the procedure, ki procedure kaise perform karenge, and then you will understand how this everything is working. So first of all you go to A, aap is A ko X mark karoge, then find a C, uske baad C ko find out karo, isko Y mark karo. Again A ke paas jao, isko X mark karo, phir se C ke paas jao, isko Y mark karo. फिर से ए के पास जाओ, इसको एक्स मार्क करो, फिर से सी के पास जाओ, इसको वाई मार्क करो, फिर से ए के पास जाओ. अब नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक्स मिला है बट कोई भी ए नहीं बचा. अगर कोई भी ए नहीं बचा, नाउ गो टू सी एंड चेक क्या कोई सी बचा है. अगर कोई भी सी नहीं बचा, दैट मीन्स ए और सी इक्वल थे. नाउ वी आर गोइंग टू चेक बी और डी, तो उसके बाद बी पास जाएंगे हम लोग. लेट अस टेक बी को हम लोग अल्फा मार्क करते हैं, फिर डी के पास जाओ, इसको हमने मे बी बीटा मार्क किया. अगेन बी पर जाओ, इसको अल्फा मार्क करो, फिर डी के पर जाओ, इसको हमने बीटा मार्क किया. फिर से बी पर जाओ, चेक करो क्या कोई बी बचा है, नहीं कोई भी बी नहीं बचा. क्या कोई डी बचा है, नहीं कोई भी डी नहीं बचा. इसका मतलब बी और डी इक्वल थे. सो दिस इज द प्रोसीजर दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. सो वेरी सिंपल प्रोसीजर, अगेन बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोसीजर है जो कि हम लोग यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं. एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इजी एग्जाम्पल्स ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन. ठीक है, so what you can do here is this is your initial state which is Q naught. Beginning में your read write head is present in A. तो हम लोग let us make it let me take four things. We have x y z ना, so it is w x y z. So हम लोग w और x को use करते हैं. So let us assume हमारे पास A आया, A को हमने w mark किया and we गो टू द राइट डायरेक्शन. इसको हमने डब्ल्यू मार्क किया और हमने राइट डायरेक्शन की तरफ मूव किया, तो हमारे पास क्यू वन स्टेट आई. सो वाइल यू आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, अब आपके पास रास्ते में कितने भी ए आ सकते हैं, लीव ऑल द ए एज इट इज, राइट डायरेक्शन में चलते जाइए. जैसे ही आपके पास बी आएगा, लीव ऑल द बी एज इट इज, राइट डायरेक्शन में चलते जाइए. जैसे ही आपके पास सी आएगा, मार्क दिस सी एज एक्स, इस सी को एक्स मार्क करो, सी को एक्स मार्क करो और अब लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जाओ, वापिस जाओ लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ सेकेंड ए को मार्क करने के लिए. सो वाइल यू आर गोइंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट में जाते हुए आपके पास कितने भी बी आ सकते हैं, सबको बी रहने दो, लेफ्ट में जाओ. कितने भी ए आ सकते हैं, सबको ए रहने दो, लेफ्ट में जाओ. जैसे ही आपके पास एक डब्ल्यू आया दोबारा से, जैसे ही यू रिसीव अ डब्ल्यू, तो एज सून एज यू रिसीव अ डब्ल्यू, उसको डब्ल्यू रहने दो और राइट की तरफ जाओ. तो राइट जाते ही आपको दोबारा से एक और ए मिला, तो इस ए को हमने डब्ल्यू मार्क किया, फिर से हम राइट की तरफ गए. राइट की तरफ जाते हुए हमें ए मिल सकता है, सबको ए रहने दो, बी मिल सकता है, सबको बी रहने दो. जैसे ही आपको एक्स मिलेगा, उसको एक्स रहने दो और राइट की तरफ जाओ. ठीक है, और जैसे ही आपके पास फर्स्ट सी आएगा, आपके पास सी आएगा, उस सी को हम लोग एक्स मार्क करेंगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे. तो लेफ्ट की तरफ जाते हुए अगेन यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एक्स, उसको एक्स रहने दो, लेफ्ट की तरफ जाओ. यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ बी, बी रहने दो, लेफ्ट की तरफ जाओ. ए, ए को ए रहने दो, लेफ्ट की तरफ जाओ. जैसे ही आपके पास ए डब्ल्यू मिलेगा, अगेन इसके राइट में जाओ और सेकंड ए को दोबारा से हमने डब्ल्यू मार्क किया.
फिर से हम लोग राइट में गए, राइट में जाते हुए कितने भी बी आ सकते हैं, कितने भी एक्स आ सकते हैं और कितने भी ए आ सकते हैं, और जैसे ही सी आया इस सी को हमने एक्स मार्क किया। फिर से हम लेफ्ट में गए, यहाँ से लेफ्ट में जाते हुए यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एक्स, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ बीस, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एस, बट जिससे डब्ल्यू आया तो डब्ल्यू के हमने राइट में लिया, तो हमें इस डब्ल्यू के राइट में मिला यहाँ पर बी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू के राइट में हमारे पास बी है, तो अगर डब्ल्यू के राइट में आपके पास बी है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एस फिनिश हो चुके हैं। सो डब्ल्यू के राइट में हमें मिला बी, उसको बी रहने दो और राइट की तरफ चलते जाओ। अब हमें चेक करना है क्या कोई सी बचा है या नहीं बचा, तो यू गो टू द स्टेट Q3, उसके बाद कितने भी आपको बी आ सकते हैं सबको बी रहने दो, राइट की तरफ चलते जाओ। आपके पास एक्स आ सकते हैं सबको एक्स रहने दो, राइट की तरफ चलते जाओ। जैसे ही आपको इस एक्स के बाद अब आपको मिलना चाहिए डी, अगर इसके बाद डी मिला इसका मतलब है ए और सी इक्वल थे, अगर इसके बाद आपको मिलता है डी तो उसको डी रहने दो, लेफ्ट की तरफ जाओ। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ए और सी इक्वल थे, सो दिस इज हाउ वी चेक कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ सी आर इक्वल, करेक्ट। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने सिर्फ ए को डब्ल्यू मार्क किया है और सी को एक्स मार्क किया है। अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सी इक्वल थे तो आपके पास हम Q4 स्टेट के पास रीच हो जाएंगे। ओके, इतना सबको क्लियर हुआ? एवरीवन प्लीज टेल मी इन द चैट विंडो इफ इट इज क्लियर। ओके, अब इसके आगे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब देखो हम लोग हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वापस जाए और बी से मार्क करना शुरू करें, बी को वाई मार्क करें और डी को जेड मार्क करें, या फिर हम लोग डी से ही स्टार्ट हो सकते हैं। दिस इज टू ऑप्शन, बट फॉर सिंपलिसिटी पर्पजेज मैं यहां से वापस जा रहा हूं और मैं बी से मार्क करना शुरू करूंगा। तो वाइल गोइंग लेफ्ट यू कैन हैव एक्स, लीव ऑल द एक्स एज इट इज, गो टू लेफ्ट, यू कैन हैव बी, लीव ऑल द बी एज इट इज, गो टू लेफ्ट। As soon as आपके पास एक W आएगा, leave W as it is, go to right. Now we are at straight Q5 और Q5 में हम B को Y mark कर सकते हैं। So what we are going to do is, if you have a B, mark it as Y, go to right, go to Q6 state. उसके बाद इन रास्ते में आपके पास कितने B आ सकते हैं, leave all the B as it is, go to right. You can have any number of X, leave all the X as it is, go to right. जैसे ही आपके पास एक D आएगा, mark this D as Z and go to left. तो इस D को हमने Z mark किया और हम लोग left direction की तरफ चले। So while going to left, left जाते हुए you can have any number of X, leave all the X as it is, go to left. You can have any number of B, leave all this B as it is, go to left. जैसे ही आपके पास एक Y आएगा, जैसे ही you can have a Y, leave Y as it is, go to right. अब Y के राइट में हमें मिलेगा B, तो इस B को भी हमने Y मार्क किया। फिर हम दोबारा से राइट में गए, तो आप कितने भी X आ सकते हैं, X के बाद यू कैन हैव एन नंबर ऑफ Z, लीव ऑल द Z एज इट इज, गो टू राइट। यू कैन हैव, जैसे ही आपके पास फर्स्ट D आएगा, मार्क दिस एज Z और दोबारा से आप लेफ्ट की तरफ जाओ, तो लेफ्ट में जाते हुए यू कैन हैव एन नंबर ऑफ लेफ्ट Z, ऑल द लेफ्ट Z एज इट इज, गो टू लेफ्ट। कितने भी X आ सकते हैं X के बाद, जैसे ही आपको यहां से Y आया, Y से राइट में गए। अब राइट में जाने के बाद यू कैन सी इस वाई के राइट में आपके पास है एक्स, तो इसका मतलब है अगर इसके राइट में आपके पास एक्स है तो इसका मतलब है सभी बी फिनिश हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू चेक फॉर डी, तो दिस इज, मेरे पास स्पेस कम है, दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस ट्रांजिशन हियर। तो दिस ट्रांजिशन इज फॉर कि अगर आपके पास बी के राइट में यहां से सी आ जाता है, तो एक्स आया, लीव एक्स एज इट इज, गो टू राइट, यू गो टू द स्टेट Q8, उसके बाद कितने भी जेड आएंगे, लीव ऑल द जेड एज इट इज, गो टू राइट। और राइट, जेड के राइट में अगर आपके पास सीधा ब्लैंक सिंबल मिलता है, इफ यू हैव अ ब्लैंक सिंबल ऑन द राइट ऑफ जेड,
तो उसको ब्लैंक छोड़ो, लेफ्ट में जाओ एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट इन द स्टेट Q9. सो ऑब्वियसली आई नो दिस बिकेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट आई फील आपको सभी इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो समझ में आ गई होगी. तो फंक्शनैलिटी इज सभी A को X, W मार्क करो, फिर C पर जाओ, C को X मार्क करो, दोबारा से A के पास आओ, X मार्क करो, C पर जाओ, उसको X मार्क करो एंड सो ऑन, राइट. आई होप आपको फंक्शनैलिटी समझ आ गई होगी. ट्राई टू मेक दिस डायग्राम और समझ के देखो कि मैंने यहां पर क्या ऑपरेशन को परफॉर्म किया है. अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क. नो, देयर विल बी नो क्वेश्चन टू ड्रॉ ट्यूरिंग मशीन, बट एक दो क्वेश्चन आए हैं वेयर दे हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन एंड दे आर आस्किंग कि ट्यूरिंग मशीन क्या कर रही है. आपके पास ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं आएगा, यू कैन ओनली हैव टू अबाउट चेकिंग. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ इफ इट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द नीड ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन. बेसिकली ट्यूरिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस. एक बार सभी जो अभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, जल्दी से मुझे चैट विंडो के अंदर हाई दोबारा से कर दीजिए ताकि आप मुझे पता चल जाए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन. मैं चाहता हूं दैट नोबडी शुड मिस दिस लेक्चर. आई एम नॉट श्योर, देयर इज नो बफरिंग इशू. बाकी स्टूडेंट्स के एंड में कोई भी बफरिंग इशू नहीं है. आई एम नॉट श्योर कि ये कहां से इशू आ रहा है आपके पास. वी हैव ओनली पूजा एंड जय एंड अनुपमा, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, क्या ओके, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन सी मी नाउ. इज इट विजिबल एट योर एंड? कोई एनी बफरिंग इश्यूज नाउ? ओके, सो आप अगर आप ऑल ऑफ यू इफ यू कैन सी मी, जल्दी से मुझे चैट विंडो पे कन्फर्मेशन दे दीजिए दैट यू आर यू कैन सी मी प्रॉपरली नाउ एंड आई कैन कंटिन्यू विद इट. और आपको मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है? गुड पूजा, आई थिंक वॉइस तो क्लियर आ रही है सबको. I also checked the voice at my end. ठीक है, वॉइस इज डिलेड और आई थिंक वॉइस का डिले का तो इश्यू नहीं होना चाहिए. नॉट श्योर, डिले का तो इश्यू नहीं होना चाहिए. आई थिंक सो. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लाइव बटन. चलो एनीवेज, सो लेट्स कंटिन्यू. Let's not wait, let's continue, okay? So basically, why I started this video series, the video on the side, is because I wanted to have a one-to-one conversation with you regarding this Turing machine. So Turing machine ke baare mein, I wanted to have a one-to-one conversation, ki hum Turing machine ko kyun study kar rahe hain, what is the benefit of Turing machine? See, in the beginning of this subject, jab humne subject ko start kiya tha, at that point of time, I told you that ऑल दीज लैंग्वेजेस जो कि हम लोग इस समय पर स्टडी कर रहे हैं, दे आर बेसिकली अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. आप इनको इस तरीके से ना देखें कि ये एक लैंग्वेज है, बट रेदर व्यू दीज लैंग्वेजेस इन अ वे दैट दीज लैंग्वेजेस आर बेसिकली अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स जो हमें सॉल्व करनी है. ओके, आई मीन द प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल योर कंप्यूटर कैन सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल in your computer, in your machine, you can do addition of two numbers, you can do subtraction of two numbers, you can do multiplication, you can write various algorithms to solve different kind of problems. Jaise ki aapke paas longest common subsequence is a problem or traveling salesman is a problem. There are so many different kinds of problems which exist. There are many problems jo ki real world, real life se related hai.
जैसे कि आपके पास डीएनए सीक्वेंसिंग है मे बी, और गेम थ्योरी, गेमिंग के अंदर यू क्रिएट सॉफ्टवेयर टू प्ले गेम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन. सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, एंड अगेन देर आर वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स जो है दैट कैन बी अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. नाउ यू राइट वेरियस एल्गोरिथम्स, यू राइट वेरियस प्रोग्राम्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, और जब उनको सॉल्व करते हैं देन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम. एंड द जॉब ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम इज जस्ट टू कंप्यूट. जब मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, कंप्यूटर नेम डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. कंप्यूट समथिंग यानी कि कोई भी कंप्यूटेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन. सो दैट इज द जॉब ऑफ योर सीपीयू, जस्ट टू कंप्यूट दीज ऑपरेशंस. नाउ दिस ट्यूरिंग मशीन वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर मिड ऑफ 1940 टू 1950. तो उस समय पर दिस ट्यूरिंग मशीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एलन ट्यूरिंग. And the Alan Turing is called as the father of computer science because of his contribution towards computer science. जैसे कि Turing machine is again a contribution of Alan Turing. और जो Alan Turing के नाम पर ही this जो name आपका Turing machine है, this name is because of the name of Alan Turing. अब ये जो Turing machine है, why we consider it as so important is because this Turing machine is basically introduced in the year of 1940s, 1950s. At that point of time, there was no concept of digital computer. हमारे पास कोई भी digital computer का कोई भी concept नहीं था. The computers and the machines that we are using, it can be a mobile phone, it can be a laptop, it can be a computer. All these machines are basically your computing machines and these are digital computers. So in the 1940s and 50s, there was no concept of digital computer. But again, at that point of time, Alan Turing has introduced an electromechanical machine which is called as a Turing machine, which is as powerful as your modern day computer. यानी कि आपका जो modern day computer जितना powerful है, उतना ही powerful आपकी Turing machine भी है. How can we say it is powerful? Powerful का मतलब क्या है? देखो, powerful means any problem that can be solved by your modern day computer can also be solved by a Turing machine. या फिर if I put it in a other sense, any problem that can be solved by a modern day computer, और जो modern day computer इस problem को solve करेगा, that means to solve that problem there exist some kind of algorithm. उस problem को solve करने के लिए आपके पास किसी तरह की algorithm exist करती है. If there exist some kind of algorithm to solve the problem, so obviously उस algorithm को you can change as a computer program and you can solve it. But at the same time, if there exists an algorithm, that means you can also make a Turing machine for this. अगर किसी problem को solve करने के लिए algorithm exist करती है, तो उसके लिए आप Turing machine भी बना सकते हो. This is what we say. So we say your Turing machine is as powerful as your modern day computer. Any problem that can be solved by your computer can also be solved by Turing machine. इतना समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज वाई वी से इट इज इक्वल टू पावर. नाउ यू कैन से, सर आपका जो मॉडर्न डे कंप्यूटर है, इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन. सर कैन यू प्रूव मी हाउ कैन इट बी एज पावरफुल एज योर मॉडर्न डे कंप्यूटर? यू कैन आस्क मी. ऑब्वियसली कम ऑन, आस्क दिस क्वेश्चन. आस्क मी, सर आप कैसे कह सकते हो इट इज एज पावरफुल एज योर मॉडर्न डे कंप्यूटर? आस्क मी दिस क्वेश्चन. अरे पूछो सर, हाउ कैन यू प्रूव, कैन यू प्रूव दैट योर ट्यूरिंग मशीन इज इक्विवेलेंट टू पावर, इज इक्विवेलेंट टू योर मॉडर्न डे कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ पावर? कैन यू प्रूव इट? पूछो मुझसे, सर कैन यू डू इट? ओके, यस. सो बेसिकली आपका जो मॉडर्न डे कंप्यूटर है, योर सीपीयू इज बेसिकली एन एडर लॉजिक. आपका जो सीपीयू है दैट इज एन एडर लॉजिक. अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट,
तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वेन एवर दे रिप्रेजेंट अ सीपीयू, दे रिप्रेजेंट द सीपीयू एज एन एडर लॉजिक. ऐसा क्यों? बिकॉज सीपीयू जो है इट ओनली परफॉर्म्स एडिशन, इज डज नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो आप सर आप ये कैसे कह सकते हो, लेट मी शो यू हाउ कैन आई से. सी जनरली फॉर एडिशन आपने अलग अलग तरह के एडर्स स्टडी किए होंगे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड हाफ एडर, यू हैव स्टडीड फुल एडर, यू हैव स्टडीड फॉर एग्जाम्पल पैरेलल एडर, यू हैव स्टडीड रिपल कैरी एडर, यू हैव स्टडीड मे बी सिक्वेंशियल एडर एंड सो ऑन. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडर आप स्टडी कर चुके हैं. उसी तरीके से फॉर सब्ट्रैक्शन पर्पजेज अगेन यू कैन हैव अ हाफ सब्ट्रैक्टर, यू कैन हैव अ फुल सब्ट्रैक्टर, उसी तरीके से यू कैन हैव अ पैरेलल सब्ट्रैक्टर, यू कैन हैव अ सिक्वेंशियल सब्ट्रैक्टर एंड सो ऑन. अलग अलग तरह के आपके पास सब्ट्रैक्टर सर्किट एग्जिस्ट करते हैं. नाउ इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए आपको इन अ सर्किट यू हैव टू, इन अ सीपीयू यू हैव टू क्रिएट अ सर्किट फॉर एडिशन, एट द सेम टाइम इन अ सीपीयू यू हैव टू क्रिएट अ सर्किट फॉर सब्ट्रैक्शन. आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो सर्किट्स वहां पर इंक्लूड करने होंगे. अगेन इफ यू आर गोइंग टू इंक्लूड टू सर्किट्स, तो दो सर्किट्स को इंक्लूड करने के लिए इट इज गोइंग टू कंज्यूम मोर स्पेस, तो ये ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा. दैट इज वाई इन अ सीपीयू यू ओनली हैव एन एडर लॉजिक. एडर लॉजिक मीन्स जो आपका सीपीयू है इट इज ओनली गोइंग टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स. It is only going to perform addition of two numbers. So how can you do addition of two numbers? See, generally, if you have a number x, if you give a number x, if you give a number y, so your CPU will give a number z, which is the addition of these two numbers. Now, अगर मुझे subtraction को perform करना है, so this means it is x plus y. अगर मुझे subtraction को perform करना है, for subtraction purpose, I can do x plus of minus y. X plus of minus y. So this is x. This is your minus y and then this z will be a result of this thing. Now when you are performing this subtraction operation, so basically we represent these negative numbers with the help of 2's complement. Aap in negative number ko 2's complement ki form mein represent karte hain. You can also use 1's complement to represent negative number. Ab dekho, agar aap ek number ka 2's complement lenge aur usko kisi dusri number ke saath add karenge to wo subtraction ho jayega. How is it possible? जैसे कि देखो, assuming a number x is 5 and it is a 4-bit number and your number y is maybe number y is 6, correct? तो 5 को we can represent it like this 0101, this is 5 and this 6 you can represent it like this 0110, this is representing your 6. Now अगर मुझे माइनस सिक्स को रिप्रेजेंट करना है, माइनस सिक्स, सो माइनस सिक्स विल बी अ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. तो इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो माइनस सिक्स हमारे पास होगा. नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस माइनस टूज कॉम्प्लीमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वन कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं. सो वन कॉम्प्लीमेंट विल बी 1001, उसके अंदर प्लस वन एड कर दीजिए, दैट विल बिकम योर टूज कॉम्प्लीमेंट, सो विच विल बिकम 0101. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर माइनस सिक्स इन टूज कॉम्प्लीमेंट. ये टूज कॉम्प्लीमेंट में आपका माइनस सिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दिस नंबर एक्स विच इज 0101, आई कैन एड दिस सेकेंड नंबर विच इज 1010. इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम, तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ सब्ट्रैक्शन, करेक्ट? और आई शुड टेक अ स्मॉलर नंबर रेदर देन दिस. So, to make it easy, let me explain you with a smaller number now. Jaise ki, let us assume we have a number x which is 5 and we have a number y which is 3. You will see why I am taking this second example. So, if I want to perform x minus y, so that means I have to do x plus of minus y. So, this 5 will be represented by 0101 and this 3 will be represented by 0011. So, I can change 1's complement, तो 1's complement इसका आएगा आपके पास 1100 और इसका जो 2's complement है that will become 1101. So this is a 2's complement of this number 3. If I am going to add 0101 plus 1101, so your resultant should represent 5 minus 3 which is 2. तो resultant जो है वो आपका 2 होना चाहिए. So again if you are going to add these two numbers, तो आपके पास क्या आएगा? So you can see 1 plus 1 is 2 which is
0 and here we have 1. Again, add these three numbers, so this will become 1. If you add both of them, so you'll get 0, again you'll get 1. Now, if you add both of them, so you'll get 0 and the carry is 1. So this one is carry. Now, if you're going to have this carry and you can discard this carry, so aapke paas ye jo number yahan par represent kar raha hai, this number is 2. Okay, so again in some cases you can add the carry, so there are various operations that you can perform, right? So here you can see, just by doing addition of these two numbers, 5 plus of minus 3, you have done subtraction. So basically in the same way, your CPU is just an adder logic which just perform addition, or aap agar uska 2's complement lenge kisi number ka, to usse aap subtraction bhi perform kar sakte hain. So there are various operations jo aapka CPU perform karta hai, jaise ki a CPU can perform addition of two numbers, a CPU can perform subtraction of two numbers, a CPU can perform multiplication of two numbers. अब देखो जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होता है, दिस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज जस्ट एडिशन. जैसे कि इफ आई डू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड 4 मीन्स 5 को आप 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए, या फिर 4 को आप 5 टाइम्स ऐड कर दीजिए. सो दैट विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, विच इज हियर यू कैन सी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. सो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, अगर आप एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, दैट मीन्स आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन. सो डिवीजन ऑपरेशन इज बेसिकली योर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ओनली. जैसे कि इफ यू डू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2 होता है यहां पर 5. तो बेसिकली डिवीजन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, व्हाट यू कैन डू इज 10 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करो जब तक ये 0 नहीं बन जाता. जैसे 10 माइनस 2 इज 8, अगेन 8 माइनस 2 इज योर 6, अगेन 6 माइनस 2 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, एंड 2 माइनस 2 इज 0. सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन सब्ट्रैक्शन? दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. आफ्टर 5 सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट इज 0. दिस इज हाउ यू कैन डू सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जस्ट बाय you can do division operation just by subtraction. So division operation itself is also very very easy. यानी कि आप addition perform कर सकते हो, तो addition आप subtraction भी perform कर सकते हो, और अगर आप addition कर सकते हो तो multiplication भी कर सकते हो, और subtraction से आप division operation को भी perform कर सकते हो. So in the same way, you can have various kinds of operations जो कि आपका CPU perform कर सकता है. जैसे कि it can do copy of two numbers, यानी कि या फिर आपके पास एक data को दूसरी जगह पर copy कर सकता है. So your CPU can perform maybe addition, subtraction, multiplication, division, copy. You can have, it can find 2's complement of a number, it can find 1's complement of a number. Ye sabhi operation aapko jo CPU hai, this it can perform all these operations. A part of this aapke paas bahut sare operation hai, jaise ki comparison operation. Agar aapke paas 2 number de di jaye, for example there is a number x and there is a number y, so you can perform whether x is greater than y, whether y is greater than x, whether both of them are equal or not. So this comparison operation also your CPU can perform. In the same way, there are various operations that your computer system or your CPU can perform. And jab bhi aap koi program likhte hain, jaise ki I have written a program in a high level language, for example your C or C++ language is a high level language, you have written a program in high level language, then you convert, when you execute this program and you give it to a compiler, so your compiler gives you an assembly code jisko aap assembler mein denge. So this assembler will give you a machine code which is your binary code, right? So in any ways, jo bhi aap instructions likhte hain, whatever kind of instruction it is, jaise ki aapke paas you have written a program to find longest common subsequence, so if you write this in a programming language, so this will be ultimately converted to a machine code which is a basically 0101 binary code. So your CPU can change, take this binary code, or is binary code per your CPU can perform these operations, which can be addition, subtraction, multiplication, or comparison, or copying operator, whatever kind of operator. So aapke paas jo CPU hai, it can take this binary code, the CPU can perform various operations on this binary code, then it can show the result of this code.
तो जो रिजल्ट है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है. तो बेसिकली दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस दैट इवन सीपीयू कैन परफॉर्म. नाउ इफ आई कैन प्रूव दैट somehow if I can prove that all these operations can also be done by a Turing machine, so you can say your Turing machine is as powerful as your modern day computer. यानी कि जो भी आपका computer के जो basic functions है, basic operations हैं, और उसको अगर हम लोग perform कर सकते हैं Turing machine से, तो Turing machine भी equivalent to power हो जाएगी हमारे computer की. तो basically computer के अंदर whenever you write programs, तो there are various abstractions, बहुत सारी abstractions होती हैं. You write a program in a language, but again, ultimately it will be converted to a binary code, which again on that binary code we are going to perform these operations. So somehow if we can prove that these operations can also be performed by a Turing machine, so we can say that your Turing machine is as powerful as your modern day computer. Is it clear with all of you? Kya ye sabhi ke sath clear hai? Getting only one reply. I think सबका जो video है that is going slow. I don't know why, but I feel so. It is going correctly. मतलब मेरे पास तो live ही चल रहा है, तो मेरे पास तो कोई delay नहीं आ रहा. चलो ठीक है. अच्छा, what I have to do here now is कि मुझे सभी operations को prove करना है. How can you do all these operations with the help of a Turing machine? And then again, I have to show you कि how people have tried to increase the power of a Turing machine. तो वो सब चीजें मुझे show करना है, and that will take approximately 1 hour. तो लगभग जो Turing machine का पूरा जो topic है वो आपका अगले एक डेढ़ घंटे में खत्म हो जाएगा, specifically for UGCNET, not for GATE. Because GATE में उसके आगे भी काफी topics है जो आते हैं. तो जो GATE वाला है, अगेन जो गेट के स्टूडेंट्स की एक दो क्लासेस में अलग से लूंगा, जिसमें डिसाइडेबिलिटी कंप्यूटेबिलिटी कराऊंगा. लेकिन UGCNET में जहां तक Turing machine तक आता है, तो ट्यूरिंग मशीन तक के जो टॉपिक्स है वो मैं आज ही सारे कवर कर दूंगा. राइट, अभी आई थिंक सबकी चैट में काफ़ी डिले चल रहा है और पीपल आर नॉट एबल टू वॉच द लाइव स्ट्रीम प्रॉपरली. सो व्हाट आई कैन डू इज कि हमारा लगभग एक से डेढ़ घंटे का टॉपिक, ओनली वन आवर टॉपिक इज लेफ्ट. सो आई कैन टेक अ ब्रेक हियर. सबको डिनर करना होगा आई थिंक सो, तो आई कैन टेक अ डिनर ब्रेक. और अगेन जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, तो सेशन में आई कैन फिनिश दिस कंप्लीट ट्यूरिंग मशीन. और ताकि हम लोग अगले एक दो दिन छोड़कर हम लोग इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और डाउट्स इसको ले सके. ओके, इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू इफ आई टेक अ ब्रेक हियर? बिकॉज 9 बजे सबको ब्रेक चाहिए होता है. चलो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग. लाइव स्ट्रीमिंग काफी डिले चल रही है, पीपल आर नॉट एबल टू वॉच द लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉपरली हियर. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर डिनर ब्रेक. तो डिनर के बाद हम लोग वापिस आएंगे और ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक खत्म करेंगे. और जब ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक फिनिश कर लेंगे आज, तो उसके बाद आई विल गिव यू मे बी 2-4 days और जितना भी टाइम आपको चाहिए, 1 week और 3-4 days टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर थ्योरी ऑफ कंपटीशन. और जब आप सभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आई विल टेक 1 class फॉर सॉल्यूशन ऑफ ऑल द पेपर्स. ठीक है, तो हम लोग उसके बाद करेंगे. ठीक है, जैसे ही आप लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. फाइन, तो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर. And then we will be again back after some time.